राखी का पर्व करीब आते ही हमीरपुर उपायुक्त कार्यालय के बाहर राखी मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले का उद्देश्य जिले के स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाई गई राखियां और अन्य उत्पादों को बेचने के लिए एक मंच प्रदान करना है। जिला प्रशासन द्वारा आयोजित इस मेले में लगाए गए स्टॉलों पर विभिन्न स्वयं सहायता समूह के द्वारा हाथों से बनाई गई राखियों के साथ ही अन्य उत्पाद बिक्री के लिए उपलब्ध करवाए गए हैं। मेले में अपने उत्पादों को लेकर आई महिला सीमा का कहना है कि इस बार राखी पर्व के लिए उनके समूह की महिलाओं ने अपने हाथों से इको फ्रेंडली राखियां बनाई हैं। उन्होंने बताया कि कुशा घास, जिसे बहुत ही शुद्ध माना जाता है, उसका इस्तेमाल इन राखियों को बनाने में किया गया है। इसके साथ ही बच्चों के लिए कार्टून वाली राखियां तैयार की गई है। वहीं हमीरपुर ब्लॉक की आशा शर्मा और रीना देवी ने बताया कि राखियां बनाने के लिए पिछले कई दिनों से तैयारी की जा रही थी। उन्होंने कहा कि राखियों के साथ साथ स्पेशल थालियां भी तैयार की गई है और अनेक उत्पाद प्रशासन भी उनके उत्पादों को बेचने में सहयोग कर रहा है। इस बार जो हमने राखी के लिए जो स्टॉल लगाया है, उसमें कोशिश की है कि हमारी जो राखियां हैं वो इको फ्रेंडली हो और हाथ से बनी हुई राखियां हो। तो इसके लिए अगर आप देखेंगे तो इसमें सारी जो राखियां हमने बनाई है वो मैक्सिमम हमने हाथ से ही बनाई है और इको फ्रेंडली राखियां बनाई है। सर, होगा ये हमने राखियां बनाई है, ये हमने कुशा घास से बनाई है, जो बगड़ भी जिसे बोलते हैं, बहुत ही शुद्ध माना जाता है इस घास को। तो ये हमने बहुत ही सिंपल तरीके से इन राखियों को बनाया है, तो ये हमारी इको फ्रेंडली राखियां हैं। और अगर आप देखेंगे कि बच्चों के लिए भी अगर है तो उसमें हमने कार्टून्स की शेप जो एमसिल से बनाई है। मैंने हाथों से पाइनी की राखियां बनाई है और मैंने एक स्पेशली थाली भी बनाई है जो भैया के लिए मतलब राखी में यूज होती है। मैं पाइनी की मतलब डॉल्स भी बनाई है जो मतलब घर में जैसे सो पीस वगैरह में यूज होती है ना, उसमें आप यूज कर सकते हैं। हमने अपने हाथों से हैंडमेड राखियां तैयार की है और ये सामान एक बड़ा यूनिक सा आइटम तैयार किए। हर साल से अलग और डिफरेंट आइटम तैयार करते हैं हम।